अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनकेस गुड लाइफ। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ खीर की। तो चलें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए हमें 2 कप हमें शुगर चाहिए एंड 1.5 कप हमें बॉयल राइस चाहिए, केवड़ा चाहिए हमें, किशमिश चाहिए हमें, हमने इसके लिए अखरोट लिए हैं, ब्लैक किशमिश ली है और खोपरा लिया है कोकोनट, उसको क्रश कर लिया, और हमने 1 टीस्पून केवड़ा लेना है इसमें, और जो ड्राई फ्रूट है वो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसमें से इन ड्राई फ्रूट में से कोई चीज़ मिस करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हमने 2 किलो दूध लिया है जो हमने पहले से ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैं आपको भी दिखाती हूँ गाइस, ये हमने 2 किलो दूध लिया है 2 kg, तो हमने इसको पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें सबसे पहले हम राइस ऐड करेंगे, बॉयल राइस है ये हमारे। हम थोड़ा देर मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, 2-3 बॉयल्स आएंगे इसको तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, ये हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है, हमने स्किम मिल्क नहीं लिया, एंड इसको हम तब तक अभी कुक करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, और उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले शुगर ऐड करेंगे तो हमें फिर ये डर होता है कि कहीं हमारी खीर नीचे लग ना जाए, तो इस तरह अगर हम बाद में शुगर ऐड करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। अब जैसे आपने खीर स्टोव पे रख के आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने अपने किड्स को देखना है या कोई काम करना है तो आप वो इजीली कर सकते हैं, तो अगर शुगर आप बाद में ऐड करेंगे तो आप इजीली इसको कुक होने के लिए छोड़ सकती हैं। तो चलिए हम इससे इसको तब तक हम कुक करते हैं जब तक थोड़ा सा थिक ना हो जाए, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब मिल्क की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, पहले इसमें राइस नज़र नहीं आ रहे थे आप लोगों को, अब आपको राइस नज़र आ रहे हैं, तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे इस स्टेज पर। अब हम इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारी जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाए और नीचे लगे भी ना हमें, जब तक ये और ज़्यादा थिक ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम स्पेशल इसमें मूव करेंगे ताकि वो नीचे लगे ना, इसका आपको ख्याल रखना है स्टेज पे। अभी 5 to 30 मिनट्स हो गए हैं इसको कुक होते हुए, अब ये थिक होना स्टार्ट हो गया और ज़्यादा, तो इस स्टेज पे हम इसमें कोकोनट ऐड कर देंगे जो हमने क्रश किया हुआ था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ना इसके अंदर, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे, फ्लेवर आ जाएगा कोकोनट का भी इसमें, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। इसको हम मज़ीद अभी कुक होने देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, इसकी थिकनेस चेक कर लें आप, ये थिक ही होना चाहिए, आपको इसकी थिकनेस से खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको कितनी देर हमने मज़ीद कुक करना है अभी। ओके गाइस, मुझे कोकोनट ऐड किए हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हुए हैं अभी, मैं इसको कुक होने दिया, थोड़ा सा मैंने इसका जो स्टोव है फ्लेम है वो मैंने थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर दिया था, पहले मीडियम टू लो था, तो अब हम जो बाकी ड्राई फ्रूट है हम इसमें वो ऐड कर देंगे और फिर इसको कुक होने देंगे। ये ऐसे जैसे पाए पकड़े हो ना, खीर को पकड़ने में उतना टाइम लगता है जैसे पाए पकड़े हैं आपके, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, तो आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा इसको कुक करते हुए। अब हम इसको दोबारा कुक होने देंगे, मजीद कुक होगा ये, मजीद ये ठीक होगी। चलिए देखते हैं कितना टाइम लेती है ये। गाइस देखिए, मैंने जो फ्लेम है वो बहुत हाई कर दिया है, तो ये बहुत हाई फ्लेम पे अभी देखें इसको बॉयल्स आ रहे हैं, इसको कुक हो रहा है, तो इससे थिकनेस देखिए ना, थिक ये होता जा रहा है, थिक बबल्स इसके देखें आप कैसे बन रहे हैं। तो कंटिन्यूसली अभी हमने इसको कुक करते रहना है 20 to 25 मिनट्स, अभी कुक होता रहेगा। गाइस देखिए, आप खीर की थिकनेस चेक करें,
खीर रेडी हो गई है हमारी, फ्लेम को बस हम ऑफ कर रहे हैं, इसमें केवड़ा ऐड कर रहे हैं। तो आपने हाफ टी स्पून केवड़ा ऐड करना है इसमें। हाफ टी स्पून से भी कम आपने इसमें केवड़ा ऐड कर देना है इस स्टेज पे। मिक्स करके बस इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं हम। गाइस देखें हमारी ये रेडी हो चुकी है। आप जिस तरह चाहें इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।